जय श्री कृष्णा दोस्तों, सृष्टि ज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत है। पहला पार्ट डाला था कि हनुमान जी की पूजा कौन कौन कर सकता है। ये जो दूसरा पार्ट मैं डाल रहा हूँ ये है कि भाई हम किस समय हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। देखिए, पूजा और साधना में थोड़ा सा अंतर ये है कि साधना में हम एक खुद को साधते हैं, संकल्प लेकर हम मंत्र या स्तोत्र का जाप करते हैं, यथाशक्ति या निश्चित संख्या जो हम संकल्प लेकर करते हैं। साधना का जो समय होता है वो रात्रि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। साधना के कुछ नियम होते हैं, मन और तन दोनों को स्थिर करने के लिए साधना की जाती है। साधना लंबे पीरियड तक चलती है, 21 दिन, 45 दिन, 51 दिन, 108 दिन ऐसे। और पूजा जो है, पूजा हम नित्य कर्म में आती है हमारे, सुबह, दोपहर, सायंकाल। तो जो हनुमान जी की पूजा का समय है, जैसे कि साधारण मानव जीवन की हम बात करें, जो कि मुखिया घर का, स्त्री बच्चे भी कर सकते हैं, दीपक करते हैं हम सुबह और शाम, वो होती है पूजा जिसमें हम आरती करते हैं। तो हनुमान जी की जो पूजा का समय है वो ब्रह्म मुहूर्त है सबसे अच्छा। ब्रह्म मुहूर्त तो ये लगा लीजिए कि आप ब्रह्म मुहूर्त में पूजा, जब हम उठते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है उस समय। हमारे तीन चक्र जागृत अवस्था में, भगवान परमात्मा भी ब्रह्म मुहूर्त में ये देखता है कि कौन मेरी सेवा करता है। तो जो भी ब्रह्म मुहूर्त में उनकी पूजा करता है, उनका स्तोत्र या उनका नाम स्मरण करता है, ध्यान करता है, उसको 100% वो चीज मिल जाती है, मनोकामना पूर्ण हो जाती है ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त का टाइम देखिए 3 बजे से लेकर, सुबह 3 बजे से लेकर 5:30 तक होता है। 3 से लेकर 5:30 के बीच में यदि आप उठ जाते हैं, और कलयुग है, पहले भी बता चुका हूं कि आप बिस्तर पर भी बैठे बैठे मन में जाप कर सकते हैं, नहीं तो आप जल लीजिए। देखिए, मैंने कुछ वीडियो डाले हैं कि भाई बिना स्नान के पवित्र कैसे हों, मंत्र भी बताए हैं। तो सुबह प्रातः आप उठकर जल लेकर उन मंत्रों से आप जाप कर सकते हैं। क्या मंत्र सिद्ध होते हैं ये भी मैंने वीडियो डाला है, तो कृपया आप उन वीडियो को अवश्य देखिए, क्योंकि सूर्य ग्रहण आने वाला है 21 तारीख को, आपके काम आएगी और मैं उनके ऊपर भी वीडियो डालूंगा। तो ब्रह्म मुहूर्त का मैंने टाइम बताया 3 बजे से लेकर 5:30 बजे, इस बीच में अगर आप उठ जाते हैं, पूजा शुरू कर देते हैं, तो बहुत अच्छा आपको फल मिलता है। स्नान की आवश्यकता नहीं है, जाप कर सकते हैं जल हाथ में लेकर शुद्धिकरण के पश्चात। हाँ, यदि आप सोच आती हो आते हैं तो आपको स्नान की आवश्यकता रहती है। फिर हनुमान जी की जो पूजा का समय है, जैसे कि आप सुंदरकांड पढ़ना चाहें, हनुमान चालीसा पढ़ना चाहें, तो दोपहर में 12 बजे से लेके 1 बजे तक, ये भी इस समय हनुमान जी श्री राम जी की सेवा से थोड़ा सा, क्योंकि भगवान श्री राम शयन करते हैं तो हनुमान जी फ्री होते हैं, तो भी वो आपकी जो मनोकामना है, कामना है, वो सुनते हैं। फिर आता है हमारे पास में
संध्या काल शाम का टाइम जो है 5:30 से 6:30 के बीच में, ये साधारण समय होता है। कोई भी देवी देवता या पितरों की सेवा सायंकाल को बहुत शुभ मानी गई है, तो ये साधारण पूजा की जा सकती है। सुंदरकांड भी पढ़ सकते हैं, हनुमान चालीसा भी, पर साधारण है। रात्रि में 9 बजे के बाद 11 बजे तक ये बच्चों के लिए है, जिनको मतलब डरावने सपने आते हो, शनि राहु केतु या अष्टमी की दशा चल रही हो, धन की कमी हो, तो बच्चे जो हैं वो रात 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में पढ़ सकते हैं। वैसे बच्चों को 9 बजे तक सो जाना चाहिए, क्योंकि फिर शनि शुक्र राहु प्रभावी हो जाते हैं रात्रि में। बड़े हैं, मुखिया हैं, वयस्क हैं, तो बड़े अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, कर्ज से परेशान हैं, मकान वाहन की प्राप्ति चाहते हैं, तो थोड़ा सा बड़ों को तो त्याग करना पड़ेगा। तो बड़े जो हैं वो 12 बजे रात्रि में, फिक्स 12 बजे आपको बैठना है, हनुमान जी की आराधना करनी है 12 बजे से 1 बजे के बीच में। कुछ के संशय होगा कि सुंदरकांड में एक दोहा आता है, प्रातः लेई जो नाम हमारा, तेई दिन ताही ना मिले आहारा। हनुमान जी ने विभीषण जी के सम्मुख बात रखी थी, बोला था, तो वो समय वो एक वानर के रूप में थे, लेकिन बाद में भक्ति से, भक्ति की शक्ति से, राम जी के आशीर्वाद से वो भगवान के रूप में परिणत हो गए। अतः अब आप उनका नाम प्रातः ले सकते हैं, ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं होगी कि आपको नहीं लेना चाहिए। श्री राम का नाम लेकर या इष्ट देव इष्ट देवी का नाम लेकर, गणेश जी का नाम लेकर आप हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं। इनकी पूजा सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है कलयुग के अंदर। ये है आपके लिए समय, जो कि अपने आप में अद्भुत है। ब्रह्म मुहूर्त साधारण व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा है, जो साधना करना चाहते हैं, हनुमान जी से कुछ विशिष्ट कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उनको रात्रि में 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच में आराधना अवश्य करनी चाहिए। भले ही रामायण पढ़ सकते हैं, सुंदरकांड पढ़ सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इनकी भोजन सामग्री, पूजा सामग्री, हनुमान जी के लिए हनुमत साठिका, बजरंग बाण आदि जो हैं उनको पढ़ना चाहिए या नहीं, ये मैं आपको बताऊंगा। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, वीडियो को शेयर कीजिए फेसबुक व्हाट्सएप पर, यही मैं आपसे विनती करता हूँ। इसी के साथ मैं विदा लूँगा। जय श्री कृष्णा, श्री राधे।